बार बार एसपी को कहा कि आप इसमें करें एक एक दीवार बनाए, पुलिस की दीवार बनाए, लेकिन वो पुलिस वाले थे ही नहीं। मैंने कहा नफरी मंगाओ, एक दो दीवारें बनाओ, रास्ता बनाओ, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया क्योंकि उनके पास वहाँ नफरी मुकम्मल थी ही नहीं और हालात बिगड़ते जा रहे थे। फिर मैं अंदर गया और डॉक्टर शेर अफजल को लेके बाहर आया, वादा लिया हुआ था लोगों से कि कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब मैंने उससे पहले लोगों से हाथ खड़े करवाए कि कितने वकील हैं और कितने वकील नहीं है, तो तकरीबन 40-50% वकील थे और बाकी जो थे वो गैर वकला थे, और वो जाहिर है कि किसी मिशन पे ही थे ऐसे लोग क्योंकि वो वकला नहीं थे। और ये तो आपके मीडिया ने कैप्चर भी किया होगा जिस लम्हे मैंने ये पूछा और दरियाफ्त किया वकला का कि वकला। फिर बहरहाल वकला को इसमें बिल्कुल शरीक नहीं होना चाहिए था और मेरा साथ देना चाहिए था, जिसका मुझे दुख है कि वो कम से कम मेरा साथ देते कि ये जो दूसरे लोग हैं जो सिविल सफरों में थे, जो कि गालिबन एजेंसियों के बंदे भी थे, वो उनके उनको हम अलहदा कर सकते हैं और वकला पूरी तरह मेरा साथ देते। लेकिन मुझे इस यही दुख है कि मेरी बात मानी नहीं गई। और मेरे एतजाज साहब, जैसा कि आपने भी निशानदेही की कि 40-50% वकला थे, कुछ और लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, आप क्या समझते हैं क्या वकला में कोई ऐसा ग्रुप शामिल हुआ था जिसने आज इस सारी कार्रवाई में ज्यादा मुश्तैल किया वकला को, या फिर जो सारी सूरत हाल वहाँ पर बनी उसमें बाहर से लोगों ने आकर ज्यादा हिस्सा डाला? उसमें बाहर से लोग भी तो जिम्मेदार है और पुलिस बिल्कुल जिम्मेदार है, पुलिस की नाअहली है। मैं आपको एक ही चीज बताऊं कि जब डॉक्टर शेर अफगन को थोड़ी कुछ पिटाई के बाद, पिटाई जो हुई जो बिल्कुल गलत जो नहीं होनी चाहिए थी, मैं इसको बड़ी शदीद मजम्मत करता हूँ, और उनको उसके बाद हमने एम्बुलेंस तक पहुँचा ही दिया, तो एम्बुलेंस खड़ी क्यों रही कि जी ड्राइवर ही नहीं, वो पुलिस का ड्राइवर ही नहीं था। पुलिस ने ये नहीं देखा कि जिस गाड़ी में बिठा रहे हैं, मैंने उनको कहा गाड़ी लेके आओ और करीब कर लेके आओ दरवाजे के, उस गाड़ी में हमने बिठा दिया और उस गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं है और ना वो गाड़ी चल रही है, धक्का मार के लोग लेके गए, फिर उसको तोड़ना शुरू किया, फिर मुझे उसके ऊपर चढ़ के मिन्नत समाजत करनी पड़ी लोगों की कि खुदा के वास्ते इस गाड़ी को जाने दो, पर गाड़ी जाती कैसे, गाड़ी के उसका तो ड्राइवर ही नहीं था। एतजाज साहब, कतई कलामी की माजरत चाहूंगी यहाँ पर, आप हम भी देख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन्स पर, आपने एम्बुलेंस के ऊपर चढ़कर भी लोगों से कहा, उससे पहले भी दरखास्त की वकला से भी, अगर 50% भी वकला मौजूद थे तो क्या आपको ऐसा दिखाई दिया कि वो उस वक्त कंट्रोल में थे, आपके कहे को सुन रहे थे? नहीं, मेरे ख्याल में अल्टीमेटली जिस वजह से मैंने इस्तीफा दिया है सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत से, वो ये कि मैं वकला को बराबर का इज्तमाही तौर पे, इंफरादी तौर पे मुझे नहीं पता, वो फुटेज होगी उसमें से पता लगेगा क्या क्या किसका किरदार था, पर सिर्फ इसलिए कि वकला की मौजूदगी में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ वकील भी यकीनन शरीक थे और जिम्मेदार थे, और उन्होंने ये इतनी मजमूम हरकत होने दी, इस वजह से मैंने सुप्रीम कोर्ट बार से इस्तीफा दे दिया। लेकिन मेरे इस्तीफे को ये न समझा जाए कि मैं लॉयर्स की मूवमेंट से हट रहा हूँ। पिछले साल मैंने लॉयर्स की मूवमेंट काफी हद तक लीड की थी, लेकिन उस वक्त मैं कत्तन कोई अहदेदार नहीं था, मुनीर मलिक साहब सदर थे सुप्रीम कोर्ट बार के, मैं सदर नहीं था, इसके बावजूद मैंने अपना किरदार अदा किया, अपना किरदार जरूर अदा करूंगा, पर सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत मैं ऐसे हुल्लड़बाजी के वाक़े के बाद जिसमें वकला भी मुलव्वस नजर आते हैं और जिनकी मैं मिन्नत समाजत करता रहा कि खुदा के वास्ते आप कम से कम अगर साथ नहीं हो इसमें तो कम से कम उनका हाथ रोको। एतजाज साहब, जैसा आपने निशानदेही की लाहौर हाईकोर्ट बार के भी आला अहदेदारान मौजूद थे आज उस मौके पर, कि आपने इस्तीफा दिया, क्या कुछ और इस्तीफे भी आ सकते हैं या आप वकला के दबाव पर अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे? वकला तहरीक को किस हद तक नुकसान हुआ है? वकला तहरीक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरे ख्याल में सर मंजूर कादिर साहब और अनवर कमाल साहब सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन
और सदर लाहौर बार एसोसिएशन वो भी दोनों मौजूद थे और उन्होंने भी बेचारों ने बहुत मेरे साथ कोशिश की। मैं उनकी उनको दाद देता हूँ, उन्होंने बहुत कोशिश की वकला को और दीगरान को मनाने की और मिन्नत समाजित करने की, उनकी भी बात नहीं मानी गई, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। और अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैं तो यही कर सकता हूँ कि मैं इस ऐसी मजमूम हरकत से और वकला की क्यादत से लॉन्ग मार्च में, मतलब मूवमेंट में नहीं, मूवमेंट में मैं अपना किरदार भरपूर जो हो सका पूरा अदा करूंगा। ये कोई ना ले कि मैं मूवमेंट को छोड़ रहा हूँ, वापस ले लेंगे वकला के दबाव पर। मेरे लिए सदारत का वो सदारत सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत से रहना ऐसे वाक्य के बाद नामुमकिन है।